अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली एनटीएस एंड पीपीएससी जॉब्स। एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब तक की अहम तरीन खबरें लेकर सरकारी मुलाजमीन के हवाले से ये वीडियो बनाई है। उम्मीद ज़रूर है आप लोगों को पसंद आएगी। सबसे पहली खबर जो मैं आपको बताता चलूँ वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया है, उसी हवाले से ये डिटेल हैं। मैं आपको बताता चलूँ ये कब से फ़ैसला पेंडिंग था और कब से ये केस दायर किया हुआ था और फिनांस डिपार्टमेंट इस हवाले से क्या कर रहा था। सबसे पहले बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने असाज़ा की इजाफी तरक्कियों और स्टेप डाउन की मद में कटौती करने के हवाले से हुकूमत पंजाब फिनांस डिपार्टमेंट की अपील को खारिज कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ दी पंजाब फिनांस डिपार्टमेंट ने मोरखा 25/8/1983 और मोरखा 31/1988 के तहत पंजाब के मुख्तलिफ कैडर PST, EST, SST के असासा को दौरान सर्विस तालीमी काबिलियत बढ़ाने पर FA, FSC, BA, BSc, MA, MSc, BEd और MEd की बुनियाद पर इजाफी तरक्कियां दी गई थीं। बाद अजां 26 जून 1990 से असासा के स्केल भी बढ़ाए गए थे। PST को ग्रेड 7 से ग्रेड 9, EST को ग्रेड 9 से ग्रेड 14 और SST को ग्रेड 16 दिया गया था। हुकूमत पंजाब फिनांस डिपार्टमेंट का ये मौक़िफ़ था कि असाज़ा को इसाबी तालीम की बुनियाद पर दी गई तरक्कियां जायज़ नहीं हैं क्योंकि इनके स्केल्स भी बढ़ा दिए गए हैं। इसे डबल बेनिफिट तसव्वुर करते हुए लेटर नंबर 21/30/13 मोरखा 17/11/2014 और लेटर नंबर 11/10/2018 के तहत असाज़ा की तनख्वाहों और रिटायरमेंट होने वाले असाज़ा की पेंशन से लाखों रुपए की रिकवरी का आगाज़ 15/2014 से शुरू कर दिया गया 2014-15 से शुरू कर दिया गया था। असाज़ा का मुआशी इस्तेसाल शुरू कर दिया और असाज़ा शदीद माली नुकसान का शिकार हो गए। असाज़ा इस ज़ालमाना इकदाम पर टीचर यूनियन के प्लेटफार्म से सरापा एहतजाज भी रहे। इस दौरान पंजाब SES टीचर्स एसोसिएशन के सदर राना दिलशाद अली और मोहम्मद खालिद खान ने इजाफी तरक्कियों की कटौती और स्टेप डाउन के खिलाफ साल 2015 में लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में रिट पटिशन 15/307/2015 बाकायदा तौर पर दायर की और मोरखा 26/1/2016 को अदालत ने असाज़ा के हक में फैसला सुना दिया। लेकिन बाद अज़ां हुकूमत पंजाब फिनांस डिपार्टमेंट ने मई 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर कर दी कि असाज़ा से रिकवरी हर सूरत की जाएगी, जिसकी रोशनी में मोरखा 10/4/2017 को पहली तारीख पेशी में हुकूमत पंजाब फिनांस डिपार्टमेंट की स्टे अप्लीकेशन खारिज होगी और ये केस समाअत के लिए मंजूर हो गया, जिसकी मोरखा 17/4/2019 को समाअत हुई और मुकम्मल बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत पंजाब फिनांस डिपार्टमेंट की अपील को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सह रुकनी बेंच ने 85,000 प्राइमरी मिडल और हाई स्कूलों के टीचर को 25 साल कबल दी जाने वाली इजाफी तरक्कियों पर तरक्कियां दुरुस्त करार देते हुए हुकूमत पंजाब फिनांस डिपार्टमेंट को इजाफी वसूलियों से भी रोक दिया है। इस फैसले से सूबा भर के असाज़ा में खुशी की लहर दौड़ गई है और असाज़ा कम्युनिटी बहुत बड़े माली नुकसान से भी बच गई है और आइंदा के लिए असाज़ा की तनख्वाहों और पेंशन से कटौती का सिलसिला भी बंद हो जाएगा। इससे पहले साल 2002 में भी दौरान ऑडिट एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स को इजाफी तालीम पर दी गई तरक्कियों पर महकमा ऑडिट और महकमा तालीम ने एतराज़ात उठाए थे और एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स को रिकवरियां डाल दी गई थी। लेकिन पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल लाहौर ने अपील नंबर बहुत सारी हैं ये अपीलें के तहत तमाम अपीलों को मंजूर करते हुए अपने तफसीली फैसला में हुकूमत पंजाब फिनांस डिपार्टमेंट और महकमा ऑडिट के तमाम एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया था और असाज़ा पर डाली गई रिकवरियां भी ख़त्म कर दी गई थी। ये पंजाब टीचर यूनियन की तरफ से खबर दी गई है। उम्मीद ज़रूर है आप लोगों को। दूसरी बड़ी खबर भी सरकारी मुलाजमीन के हवाले से हैं। आप क्या जानते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं और गैर मुल्की पाकिस्तानी सरकारी मुलाजम बनकर पाकिस्तान में सर्विसेज कर रहे हैं और कितने हज़ारों की तादाद में हैं? यही दूसरी वीडियो है, दूसरी बड़ी खबर है। मैं आपको बताता चलूं इसकी तफसील। बलूचिस्तान में 45,000 घोस्ट मुलाजमीन अफगान शामिल हैं। 2016 में चीफ सेक्रेटरी सैफुल्लाह चट्टा की जानब से तश्कील कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद तस्दीकी अमल इतवा का शिकार
दो साल बाद भी कार्रवाई ना हो सकी। रिपोर्ट नैब एंटी करप्शन और दीगर इदारों को भी भिजवाई जा चुकी है, सब खामोश हैं। घोष्ट मुलाजमीन के सरपरस्त माफिया ने एक चीफ सेक्रेटरी को रातों रात तब्दील करा दिया, कई अफसरान निशाने पर हैं। निशानदी पर 15,000 बोगस पेंशनर गायब, मुलवस अफसरान जुर्माने जमा कराने से गुरेजा, बदस्तूर आला अहदे पर बरजमान। कोयटा से खबर है खलील अहमद साहब की, बलूचिस्तान में घोष्ट मुलाजमीन का सुराग लगाने के लिए 2016 में चीफ सेक्रेटरी सैफुल्ला चट्टा की जानब से तशकील कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद बलूचिस्तान के 45,000 मुलाजमीन के शनाख्ती कार्ड की तस्दीक नहीं हो सकी। मुलाजमीन में बड़ी तादाद अफगान महाजरीन की भी शामिल है, दो साल गुजरने के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में ना आ सकी। कमेटी ने रिपोर्ट नैब एंटी करप्शन और दीगर मुतलका इदारों को भिजवाई, लेकिन सब खामोश हैं। घोष्ट मुलाजमीन की सरपरस्ती करने वाले ताकतवर माफिया ने मफादात के खिलाफ काम करने वाले एक चीफ सेक्रेटरी को रातों रात तब्दील करा दिया, कई अफसरान इंतकामी कार्रवाइयों की जद में आए, लेकिन दो साल गुजरने के मुलाजमीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। कमेटी ने बोगस पेंशनर की भी निशानदेही की थी, जिसके बायस 15,000 के करीब बोगस पेंशनर गायब हो गए, जो 20-20 साल से मुसलसल पेंशन वसूल कर रहे थे। केस में मुलवस सरकारी अफसरान और अहलकारों को करोड़ों रुपए जुर्माने किए गए, जो उन्होंने आज तक जमा नहीं कराए, अब आला अहदों पर तैनात हैं। इंतहाई वसूख जराए के मुताबिक बलूचिस्तान में घोष्ट मुलाजमीन की सरपरस्ती करने वाले माफिया में इंतहाई ताकतवर और बाअसर लोग शामिल हैं। सही मैनों में तहकीकात को पाया तकमील तक पहुँचाने से कम अज़ कम 30,000 के करीब बोगस मुलाजमीन की शिनाख्त हो सकती है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो सूबे के करोड़ों रुपए बच सकते हैं, जो घोष्ट मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में अदा किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान को दरपेश माली बहरान में काफ़ी हद तक कमी हो सकती है, लेकिन मौजूदा हुकूमत भी संजीदा नज़र नहीं आती। निगरान दौर में होने वाली भर्तियों की तहकीकात के हवाले से बनाई गई कमेटी का सिर्फ एक इजलास हुआ है, और वो भी सिर्फ तारफ की हद तक था। वाज़ेह है कि निगरान दौर में सिर्फ 10 दिनों में 5,000 के करीब लोगों को सरकारी महकमों में भर्ती किया गया। जरा ने बताया कि बोगस मुलाजमीन के हवाले से रिपोर्ट नैब एंटी करप्शन समेत दीगर मुतलका इदारों और महकमों को भी भिजवाई गई, लेकिन इन इदारों की जानब से भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो अपनी जगह एक मजीद सवालिया निशान है। एक और बड़ी खबर जो कि लाहौर से है, यूसुफ अब्बासी साहब ने दी है। नर्सों और अलाइड हेल्थ स्टाफ को यूनिफॉर्म पहनने का हुक्म दे दिया गया। ड्यूटी के दौरान वर्दी स्टाफ के वर्दी ना पहनने पर प्रिंसिपल्स और एमएस जिम्मेदारों के मरासला जारी हो चुका है। महकमा सेहत ने तमाम सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग और अलाइड हेल्थ स्टाफ को दौरान ड्यूटी वर्दियाँ जेब तन करने का हतमी वार्निंग के साथ हुक्मनामा जारी कर दिया है। गफलत की सूरत में प्रिंसिपल्स और एमएस साहबान जिम्मेदार करार पाएंगे, जिनके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तफसीलात के मुताबिक अरसे दराज से हुकूमत को शिकायत मौसूल हो रही हैं कि सरकारी अस्पतालों में सादा लो अफराद को माली और इखलाकी तौर पर ऐसे अफराद नुकसान पहुँचा रहे हैं जिनकी शनाख्त नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपने ओहदे के मुताबिक वर्दियाँ नहीं पहनी होती, जबकि अस्पताल में मरीजों और हस्पतालों की अमला के मबैन लड़ाइयों को भी यही बुनियादी वजह है कि जिस पर महकमा सेहत ने हुकूमत की हिदायत पर हतमी मरासला जारी किया है और तमाम स्टाफ को वर्दियां पहनने का हुक्म दिया है। इसके साथ साथ बड़ी खबर जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो भी सरकारी मुलाजमीन के हवाले से है, जिसमें बताया गया कि तनख्वाहों टैक्सों में इजाफे को मुस्तरद एपका का मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। तनख्वाहों में 50% इजाफे का मुतालबा फैसला आला सती इजलास में किया गया। एहतजाज और धरने के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा। बजट मंजूरी से कबल 27 जून को आपारा चौक में भूख हड़ताली कैंप लगाया जाएगा। हुकूमत से इम्तियाजी सलूक बंद करने का मुतालबा। इस्लामाबाद से खबर है, जनरल रिपोर्टर ने दी है। आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने तनख्वाहों में इजाफे और टैक्सेस में इजाफे को मुस्तरद करते हुए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफे का मुतालबा कर दिया है। मुतालबात की अदम मंजूरी पर 25 जून को हर सूबे और ज़िला के सतह पर एहतजाज करने का भी ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के आला अहदेदारान ने
اعلی سطحی اجلاس میں احتجاج اور دھرنے کے شیڈول کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس اجلاس میں ملک بھر کے اعلی عہدیداران، مرکزی صدر محمد ارشاد چودھری، مرکزی چیئرمین حاجی محمد اسلم خان اور اسلام آباد کے صدر راجہ محمد بلال اور دیگر نے اس میں شرکت کی اور احتجاج اور دھرنا کے حوالے سے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ آنے والی تجاویز کا بھی بغور جائزہ لیا گیا، جس کے بعد تمام عہدیداروں سے حتمی مطالبات کی منظوری لی گئی، جس کے بعد ملک گیر احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے تمام صدور و نائب صدور و دیگر عہدیداروں کو مطلع کیا گیا کہ 25 جون ملک بھر کے تمام اضلاع کی سطح پر احتجاج کیا جائے گا، جو حکومت کے ظالمانہ اقدامات واپس لینے تک جاری رہے گا، اور بجٹ کی منظوری سے پہلے 27 جون کو اسلام آباد آپارا چوک میں بھوک ہڑتالی کیمپ بھی لگایا جائے گا۔ ایپکا عہدیداران نے خبردار کیا کہ سرکاری ملازمین کے ساتھ امتیازی سلوک بند کیا جائے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین، امید ہے آپ لوگوں کو